मेरी गलती नहीं है, नहीं है मेरी गलती, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। हक न, कौन सा हक है? किस हक की बातें कर रहा तू? तेरा प्यो कौन सी जदादे छोड़कर मरा था जो हक मांगता फिर रहा तू बेशर्मा? बस माँ, तुम सबकी हो गई सिवाय मेरे। और तुम एक बात बताओ, मैं अपनी इस वफादारी का कोई सला नहीं मिल रहा इन खुदगर्ज लोगों से। मुझे 100 बारी भी जिंदगी मिले ना उमर, 100 बारी भी जिंदगी मिले तो इन हवेली वालों पर ना कुर्बान कर दूंगी मैं बगैर किसी सिले के। यही तो दुख है माँ, बेटे की बजाय हमेशा हवेली वालों को तरजीह दी है तुमने। ना तू, तू इस काबिल बना है कहाँ? बता मुझे कब तू इस काबिल बना है? ना तेरे इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ कि चंगा इंसान भी ना बन सका तू? इंसान समझा कहाँ है, हमेशा मुझे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया है। बस कर दे उमरा, बस कर दे, ये झूठिया दलीला ना दे मुझको। याद रख अपनी गलती मान ले, नहीं तो सारी जिंदगी ना जलील होता फिरेगा यहाँ पर। सर पे कफन बांध के निकलाओ मैं अम्मा, वापस नहीं पलट सकता। तू कितना बदबख्त है, कितना बदबख्त है तू कि ना तो अपनी जिंदगी का कुछ सुख देख सका ना अपने होने वाले बच्चे की खुशी। वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रहा तू है, क्या बकवास कर रहा है? मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो कब का उसको तलाक दे चुका हूँ, मुझे क्या पता किसका गुनाह पेट पे पाल के फिर रही है। ये क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ, मैंने तो कब की इससे जान छुड़वा ली हुई है। ना तो फिर ये सारा ड्रामा क्या करता फिर रहा तू? पैसों के लिए माँ। पैसे? ना तुझे पैसे चाहिए? अरे उनके इंसानों का बदला चुकाने की बजाय उनकी इज्जत का जनाजा निकाला तूने और अब कीमत मांग रहे? उमर, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अदालत में इतराफी बयान देना होगा कि तुम रोशनी को तलाक दे चुके हो। अगर मैं आपकी शर्त ना मानूं तो? अभी इसी लम्हे में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल सकता हूं, लेकिन बेटी का मामला है, तुम्हें जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन तलाक के कागजात पे साइन कर दूंगा, मगर मेरी शर्त है। तुम्हारी हर शर्त बगैर सुने मुझे मंजूर है। उमर ने अगर तुम्हें तलाक दे दी थी तो ये बच्चा किसका है? सफिया बाब, तुम चुप रहो आशा, इसने तो ठान ली है हमारे पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम करने की। जब औकात से ज्यादा मिल जाए ना मामा, तो ऐसा ही होता है। रोशनी को भी इज्जत रास नहीं आ रही। तौबा तौबा, बहुत ड्रामे पास है ये लड़की। मुझे तो अभी भी इसकी कोई चाल लगती है, इसकी नीयत में फतूर आ गया। रानिया, कागज और कलम में क्या?